Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing very well. उम्मीद है सब घर खैरियत से होंगे. Welcome to another day, another vlog. आज की little update ये है कि अबू जा रहे हैं वापस means वापस USA जा रहे हैं और अभी करने लगे हैं हम उनकी पैकिंग वैकिंग तैयारी शैरी. और मेरा पेपर आई नो सो वर्स लग रहा है बट फिर भी सुफियान हाथ हिला दें प्लीज़. थैंक यू. अभी हमने कुछ शॉपिंग की है और उसके बाद हम घर जाएंगे. घर जाके तैयारी स्टार्ट करेंगे. नहा सुबह सुबह हमने लिया था ताकि सारा दिन भागम भाग में ना गुजर जाए. लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होगी. मैं तो तौबा 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 दिल कर रहा लॉन के कपड़े निकल आए बस फटाफट से. अभी बस घर आए और सामान वगैरह संभालने लगी हूँ. बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी. ऊपर से कैचर नहीं है मेरे पास और तौबा तब हो गई हुई है मेरी. सबसे पहले हम पैक करने लगे हैं पंजीरी. देखें लेके जाने का तरीका भी आप लोगों के भी काम आ जाएगा. लेने हैं प्लास्टिक बैग्स और उसके अंदर जिप लॉक्स लेने हैं और उसके बाद जी ये पंजीरी उसके अंदर पैक कर देनी है और फिर इसको हम डबल पैक. नमाज भी पढ़ी गई है और पैकिंग भी तकरीबन अबू की हो गई हुई है. अभी बस थोड़ी बहुत सी मेडिसिन रहती हैं वो रखने वाली हैं और अभी वो आएंगे तब रखेंगे. और कुछ और खाने पीने की चीज़ें हैं उनका ज़्यादातर बैग ना कपड़ों के पीछे खाने पीने की चीज़ों से जा रहा है. मतलब पंजीरी हलवे गुड़ रस इस तरह की. कोई रेस्ट कर रहा है फुल. सुफियान पैकिंग अबू की काफ़ी हद तक हो गई है और नाश्ता वाश्ता करा के अब हम लोग मैं जा रही हूँ घर. अबू और सुफियान ने जाना गाँव. मामा की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक तो मैं उनके पास स्टे करूँगी घर पर. और फिर जब आएंगे फिर दोबारा से पैकिंग जो थोड़ी बहुत ही रह गई है वो कंप्लीट करूँगी. और ये बहुत ही बुरा लग रहा है. थोड़ी दिन मैंने मारी है रेस्ट. सोई तो नहीं हूँ लेकिन लेटी रही. थोड़ा सा सीज़न देखा. अब मैं उठी हूँ और चाय बना रही हूँ. गर्मी तो हो गई है लेकिन अब क्या करें. वो शाम की चाय का तो टाइम हो गया ना तो हमने कहा चाय पी ली जाए. अभी पेट्रोल फिल कराएंगे और उस्मान भाई की मेडिसिन पिक करनी है वो करेंगे पिक और देन हम लोग घर जाएंगे. उसके बाद जो थोड़ी बहुत सी पैकिंग लगी थी वो करनी है. घर कुछ गेस्ट भी आने हैं और जैसा कि आप लोगों को शायद के पता हो जो लोग न्यूज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा कि इमरान खान ने आज शायद के अरेस्ट होना या कुछ इस टाइप का सिलसिलाकार सुनने में आ रहा है जिसकी वजह से शायद के लाहौर हमें अर्ली निकलना पड़े क्योंकि हम टाइम से पहुंच सकें. ट्रैफिक ना हो या कोई इधर नशा टाइप चीज़ें ना हो इसी वजह से शायद हम के थोड़ा सा अर्ली निकलेंगे. तो देखते हैं कितने बजे तक. अभी बज रहे हैं 6:45. वन स्टॉप पे हमने वन स्टॉप मारा है. अंदर करो लॉक बेशक लगाओ. अंदर करो. हाँ जी ईशा 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 ये क्यों फट करती है. ओए तेरी अच्छी की टची और तेरी अच्छी की टची ईशा की वो कहाँ है. हैदर तुम के कुली वाले बने हुए हो. सामान सामान सारा रख दिया. अब हम जा रहे हैं घर. घर खाएंगे खाना और उसके बाद निकलेंगे लाहौर के लिए.
और बस उसके बाद निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चार्ज करवाना है, इधर नहीं है। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। ऐसे तो हालात नहीं। बहुत उड़ा दी मैं सर्वर। ये किसी और ने गाया होगा। ये मैं बहुत अच्छा है। इस लड़की ने जो गाया होगा बहुत अच्छा है। कमाल कर दी इसने। भाई पी ले जाओ
संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मगर गाना जो है ना, कसम ये गानों का भी कोई फितूर है, कोई फितूर है। लिखा है तुम्हारा नाम ये रस्ते घर गलियां। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा रश है और अभी फ्लाइट में काफी टाइम है बुकी, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं। शुक्र है नीचे ट्रैफिक या चेक पोस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन इस दफा इधर इतनी आवाम पेलू इकट्ठी हुई हुई है। ये रहा हमारे लाहौर का एयरपोर्ट जहाँ इतनी आवाम मिली और आराम तसल्ली से बैठी है। जी लेडीज जिना पार्क में आई हुई हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। क्या फ्लाइट की अंकल क्या करना है? फ्लाइट थोड़ी सी अब की लेट हो गई है, 3:20 पे अब फ्लाइट है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी टाइम उड़ाता रहता है। हाँ जी, सुफियान साहब ने फैसलाबाद से एयरपोर्ट सुफियान ने 140 और 160 पे गाड़ी ड्राइव की और उड़ते उड़ते आगे, लेकिन हमने भी कोई कम इंटरटेन नहीं किया था सुफियान जी, बिल्कुल बड़े खुश है देखा लुक। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद जाएंगे, ताकि फिर अबू जब अंदर जाएंगे बोर्डिंग शोडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जाएंगे हम। और शुक्र है मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, खड़े होने वाला बाहर, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी शाम को, मेरा तो बुरा हाल था पसीने वगैरह से भी। मैं जूस पीती नहीं हूँ यार, तुम्हें पता ही नहीं अब तक, पता ही नहीं तुम्हें अभी तक, तुम पी लो हमजा। लाहौर एयरपोर्ट पाकिस्तान, सब झूले लेने आए हुए हैं बच्चे समेत, रात के 12 बजे फ्री के। पूछो उनको। एयरपोर्ट पता नहीं क्या लगे, कोई नोटिस शोटिस कोई और ही पूछो। नीचे एक फ्लाइट आ गई हुई है और माशाल्लाह उमरा करके जो आए हैं काफ़ी रश मश लग गया, 1 बजने वाला है और उनकी फ्लाइट 3:20 की और वी आर स्टिल वेटिंग, सब बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई ये पूरी एक फैमिली है। वैसे रश है अंदर, रश अंदर रश आ गया है गली के दर पे जा। अब को ड्रॉप कर दिया हमने और अभी बोर्डिंग शोडिंग तो वैसे कब की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब वो अंदर गए हैं, अब हम शायद से कुछ खाई पिए और फिर इंशाल्लाह घर को जाएंगे। अगेंदर डीएचए जॉनी जुड़नो आए हैं और ऑर्डर दे दिया है, खाई पिएंगे और फिर वापस चलेंगे। ले लो बैठ करो,
आई होप आप सबने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। और अब की फ्लाइट 4:15 पे गई है और बस खैर खैरियत से पहुँचे। और क्या दुआओं में हमें याद रखें। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।